वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम रेसिपी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से झटपट बनने वाली रेसिपी। आज वो रेसिपी है आटे का चीला। आटे में मैंने 1 कटोरी आटा लिया है, उसमें 2 कटोरी पानी डाल दिया गया है, इसे एक स्मूथ बैटर बना दिया गया है। इसमें मैंने 1 प्याज बारीक कटी हुई डाली है, 1 हरी मिर्च डाली है और थोड़ी सी अजवाइन और 2 चम्मच नमक। अब आइए इसे बनाना मैं शुरू करती हूँ। मैंने गैस पर तावा गरम कर दिया है। गैस पर मैंने 1 चम्मच तेल डालकर ग्रीस कर दिया है ताकि हमारा ये चीला जले ना। अब मैं देखिए एक कलछुल की सहायता से इसे डालती हूँ और इसे धीरे धीरे फैलाना है ताकि ये थोड़ी सी पतली लगे। मोटी होने पर ये जल्दी पकेगी नहीं और कच्ची हो रहेगी, इसलिए इसको धीरे धीरे फैलाना है और इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालना है जिससे ये अंदर से पक सके। अब फ्रेंड्स देखिए ये हमारा चीला धीरे धीरे अंदर से पक रहा है। मैं इसे धीरे धीरे छोलनी की सहायता से इसे निकाल रही हूँ। एक बार में नहीं निकालना है, धीरे धीरे निकालना है। अगर आप लोग एक बार निकालिएगा तो ये टूट सकता है, इसलिए इसको चारों तरफ से धीरे धीरे चलाकर निकालना है। अब देखिए ये हमारा चीला एक तरफ से पक गया है। अब मैं इसे पलट रही हूँ। पलटने के बाद मैं इसके चारों तरफ थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ताकि ये हमारा अंदर से भी चीला पके। अब देखिए ये हमारा चीला धीरे धीरे बनकर तैयार हो रहा है और इसे थोड़ा और 2 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाना है ताकि ये हमारा चीला अंदर से भी अच्छे से पक जाए और खाने में भी स्वादिष्ट लगे। अब फ्रेंड्स देखिए ये हमारा चीला दोनों तरफ से पक कर तैयार हो गया है। ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट लगेगी। ये रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई गई है। आप लोग भी इसे अपने घर में बनाइएगा, अपने खाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा या अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। अब फ्रेंड्स देखिए ये हमारा चीला बनकर तैयार हो गया है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और प्यारी प्यारी वीडियो आपकी मोबाइल पर आती रहे। बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आती रहेगी। थैंक यू।